दोस्तों, ये जो आप हमारा लॉन देख रहे हो, इसके अंदर हमने ये इंग्लिश घास लगा रखी है और इसका मेंटेनेंस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 10 दिन में 15 दिन में आप इसकी एक बार मशीन से कटिंग करते रहिए, ये बार बार फुटा वाता रहेगा और महीने में या दो महीने में एक बार हल्का सा आप इसके ऊपर यूरिया का छिड़काव कर दीजिए। इस ये जो आपको बिल्कुल एकदम से पूरा कारपेट की तरह नज़र आ रहा है ना, इसका सिर्फ यही कारण है कि टाइम पे हम इसकी कटिंग करते रहते हैं और इसमें महीने दो महीने में एक बार यूरिया डालते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि जगह जगह पैचेज अलग अलग धब्बे से पड़ जाते हैं, ग्रास जहाँ से भी ख़राब हो गया आप वहाँ दूसरी निकाल के थोड़ा सा गैप फिलिंग कर दें और उसके ऊपर फिर से आप मशीन से कटाई करेंगे तो वो एकदम से बिल्कुल कारपेट का रूप ले लेगा। बीच में कहीं कहीं पर देखिए इस तरह के जो दूसरी घास निकल आती है ना, आप उस घास को निकालते रहिए जड़ से। अगर ये नहीं निकालेंगे, ये मोथा घास है, अगर ये नहीं निकालेंगे तो इसका बीज बढ़ता रहेगा आगे से आगे और जो आपकी एक्चुअल जो घास है वो ख़राब हो जाएगी और ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये खास ध्यान रखते हैं कि इस तरह का कोई भी घास अगर हमारे लॉन में कहीं पे भी हमें दिखाई देता है तो हम उसको निकाल देते हैं। ये सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको कि आपके ग्रास के अंदर कोई दूसरा अलग तरह का देसी घास ना निकले या जो दूब होती है जो ज़्यादा बढ़ने वाली होती है वो ना निकले। सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी इसी तरह से हरा भरा लॉन अपने गार्डन में बना सकते हैं। ये बैठने में बहुत मखमली है, मज़ा आता है इसके ऊपर बैठने में और सबसे खास बात यह है कि ये घास चुभती नहीं है, ये एकदम मुलायम है, मक्खन की तरह, मलमल की तरह बिल्कुल मुलायम है, बहुत ही बढ़िया है। आप देखिए बारिशों के टाइम में अभी हमने इस पर कुछ भी नहीं डाला हुआ इस टाइम, क्योंकि बारिशें अच्छी हो रही है रेगुलर और पूरा घास एकदम से बिल्कुल ग्रीन कारपेट की तरह नज़र आ रहा होगा आपको। दो तीन साल में एक बार आप इसके ऊपर टॉपिंग कर दें मिट्टी और गोबर की खाद देते हैं लगा के, इसके ऊपर एक लेयर बना दें, नया घास इसके अंदर से फुटाव ले लेगा।